सुना है तुम्हारी शादी हो रही है? जी, आप कौन? तुम्हारा रकीब। शट अप। अरे यार गुस्सा क्यों कर रहे हो? जो वही बताऊंगा ना। तुमने यकीनन कोई गलत नंबर मिला लिया। सुनो मेरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने गलत नंबर नहीं मिलाया। तुम भाई से ही हो ना? हाँ। मशल से शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। मशल से सिर्फ मेरी शादी होगी, और वैसे भी वो दिल से इस शादी के लिए रजामंद नहीं है। बकवास बंद करो। कौन बोल रहा है? बकवास तुम कर रहे हो। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि मशल इस शादी के लिए तैयार नहीं है। तुम लोगों ने जबरदस्ती उस पर दबाव डालकर उसे शादी के लिए रेडी किया है। देखो आइसम, तुमने अगर इस शादी से इनकार नहीं किया ना, तो नतीजे के जिम्मेदार तुम खुद हो गए। बस आपी, अब हम कल से शॉपिंग शुरू करेंगे। बस तुम्हारी तो शॉपिंग ही नहीं खत्म होती, सांस तो लेने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है भाई, रोज रोज सरप्राइज दे रही है। मेरी बहन की शादी है, घर पे तो मेरा दिल ही नहीं लगता। तुम्हें पता है मिशी, सोबी आपी तुम्हारी शादी तक यही रुकेंगी। सच्ची? हाँ। ये मैंने बासिल से कहा कि मिशी की शादी तक मैं यही रहूंगी, वो फौरन मान गए। हाय सर, मैंने तुम्हारे लिए ये वाली शेरवानी सिलेक्ट की है, जरा देखो तो कैसी है। क्या हुआ बेटा, कहाँ गुम हो तुम? जी मामा। हाय सर, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। अरे बेटा, अब तो शादी में दिन इतने थोड़े रह गए, मिशेल को कब लेके जा रहे शॉपिंग के लिए? उसे अपने घर के झमेलों से तो फुर्सत मिले। बेटा उससे तो कभी भी फुर्सत नहीं मिलेगी, और आज तो सोबी अभी घर आ गई है। मेरे ख्याल में हम चलते हैं उनकी तरफ और कल का कोई प्रोग्राम सेट कर लेते हैं। मामा आप चले जाइए प्लीज, मेरा कोई खास मूड नहीं है। लेकिन बेटा तुम तो उस दिन कह रहे थे कि मैं भी साथ चलूंगा शॉपिंग पे। बेटा तुम तो बहुत एक्साइटेड थे। बस मामा, ऑफिस के काम का प्रेशर बहुत है। ये तो कोई बात नहीं बेटा। चलो कोई बात नहीं, तुम ख्वातीन चली जाओ। मैं तो चली ही जाऊंगी, लेकिन बाद में ये कहेगा मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, वो अच्छा नहीं लग रहा, फिर मैं क्या करूंगी? मामा मुझे आपकी पसंद है, पूरा एतबार है। अच्छा ठीक है, अभी मैं और हसान भाभी की तरफ चले जाते हैं। लेकिन बेटा कल तुम्हें मेरे साथ शॉपिंग पे चलना होगा। चले मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ ठीक है। Thank you.
कौन हो सकता है वो शख्स? वो यकीनन मुझे मशल की तरफ से बदगुमान करने की कोशिश कर रहा था। मशल ऐसी नहीं हो सकती, वो तो बहुत सादा और मासूम है। जब उसका इरादा नहीं था शादी करने का तो वो सबसे कहती थी कि उसे शादी नहीं करनी। उसने तो बाबा को भी कह दिया था, और अब अगर वो राजी है तो यकीनन दिल से राजी हुई होगी। यकीनन कोई मुझे बहकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों? उसे मुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या वो नहीं चाहता कि हम दोनों एक हो? वो जो कोई भी है यकीनन हमारा दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि हम दोनों एक हो। कपड़े यहाँ क्यों फैले हुए? आप ही पैक कर रही हैं। क्या हुआ? फिर आसिम भाई से लड़ाई हो गई क्या? उनसे क्यों लड़ूंगी मैं? तो फिर इतनी तपी भी क्यों? मेरी बात सुनो। ये बासिल भाई क्या यहीं रहेंगे? हैं? उन्होंने तो डेरा ही जमा लिया यहाँ पर। अरे वो तुम्हारी शादी के लिए रुके मैं, जैसे आप ही बहन है हमारी, वो रुक सकती है यहाँ पर। देखिए बासिल भाई, एक प्राइवेसी नाम की भी तो कोई चीज होती है, अजीब सा लगता है। मगर हम उन्हें ये कह तो नहीं सकते ना कि आप हमारे घर में दादा ना रुको। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से अम्मी मुझे यहाँ छोड़कर जाती है। इन हालात में काफी हमारा सहारा है, इसलिए हमें ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो आप ही रहना यहाँ पर। वो क्यों रह रहे? वो तो जाए अपने घर पे, उनकी क्या जरूरत है हमें? और वैसे भी किसी काम के तो वो है नहीं, सारे काम मम्मी और आप ही करते हैं। मिशी बस भी कर दो, अगर उन्होंने सुन लिया तो बहनोई है वो हमारे। बहनोई है इसका मतलब ये नहीं है। अपना मतलब तुम छोड़ो, जब तुम हसन भाई के साथ यहाँ डेरा जमाने आ जाओगी ना, तब मैं तुमसे पूछूंगी। हसन ऐसे बिल्कुल भी नहीं है,
एक मिनट, और तुम्हें कब से हासिम भाई की ज्यादा लगने लगी? वाह भाई, बड़ी मोहब्बत जाग रही है। अच्छा तुम जाओ, ज्यादा बकवास मत करो, अपने हाथ पांव धो और ये कपड़े समेटो। ये कपड़े मेरे नहीं है, आपके, उठा ले। आप ही वो ट्रांसपेरेंट वाली लिपस्टिक याद से लेके आए क्या? वो बहुत अच्छी है, आप पहले भी एक लाई थी और वो इसने ले ली थी। अच्छा ठीक है। सोबिया, कितना एडवांस मांगा था बेटा उसने? 20,000। अम्मी बहुत ज्यादती है मेरे साथ। अम्मी मुझे अपनी शॉपिंग खुद करनी है, मुझे भी जाना है मार्केट। कर लेना शॉपिंग बाद में भाई, अभी बहुत दिन पड़े हमें। मशल इधर आओ बेटा, ये लो ये पैसे संभाल के रखो अलमारी में और ताला लगा देना अलमारी को। अम्मी इतने सारे पैसे? इतने सारे कहाँ है बेटा, सिर्फ 6 लाख हैं। हॉल की और फर्नीचर की पेमेंट चली जाएगी तो इसमें से कुछ भी नहीं बचेगा। लगता है तुम्हारे अब्बू को पता चल गया था कि अब वो ज्यादा दिन नहीं जिएंगे, इसीलिए तुम तीनों के लिए इतना कुछ कर गए हो। वरना मैं कहां कर पाती ये सब कुछ। अम्मी चले ना, देर हो रही है, बासिल ने हमें ड्रॉप करके ऑफिस भी जाऊं। चलें बासिल? चल। मशल पैसे संभाल के रख लेना और अलमारी को लॉक लगा देना याद से। जी अम्मी। चले अम्मी? चलो बेटा। सोबिया कितनी देर लगेगी तुम लोगों को शॉपिंग? 2 घंटे। फाइल रह गई थी मेरी एक ऑफिस की, वो लेने के लिए आया। याद रखना घर में मायमा भी मौजूद है। अशल
यकीन करो मेरी बात का, मैं सिर्फ अपनी फाइल लेने के लिए आया। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम जाओ, जाकर मेरे कमरे से ला दो फाइल। रियली सॉरी, मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था। मुझसे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, अपनी फाइल लें और जाएं यहाँ से। किधर जा रही हो? अपने रूम में जा रही हूँ। चलो आप पहले चाय पीते हैं फिर चलें। आओ। देखो अच्छे से है ना कपड़े। अरे वाह, कितना प्यारा ड्रेस है अभी। हाँ, मैं सोच रही हूँ तुम्हारी मेहंदी पे ये पहन। नहीं ये नहीं अच्छा, इससे अच्छा तो वो मरून वाला है, वो पहन लीजिएगा आप। मशल, लॉक लगाया था तुमने अलमारी? नहीं, मैं भूल गई थी अम्मी। क्या हुआ अम्मी? अलमारी में पैसे नहीं है सोबिया। क्या मतलब? अलमारी के दरवाजे खुले हुए हैं, उसमें से पैसे गायब है। अम्मी ऐसा कैसे हो सकता है? किसी को क्या पता कि मैंने अलमारी लॉक की थी या नहीं? मैं देखती हूँ। मशल, कौन आया था घर में? जब हम घर पे नहीं थे तो कौन है? अम्मी कोई भी नहीं आया था। या अल्लाह, मैं क्या करूँ? इतने सारे पैसे थे, मैंने तो सारे ऑर्डर्स दे रखे थे, कैसे होगा ये सब कुछ? मिशी, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई तो आया होगा, और जो कोई भी था उसे पता था कि वहाँ पैसे हैं और लॉक नहीं है। कौन आया था? आपके जाने के बाद तो सिर्फ बासल भाई आए थे। मेरी बात सुने, मैं इल्जाम नहीं लगा रही उन पे, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि जब आप गई हैं तो सिर्फ और सिर्फ वासिल भाई आए हैं। चोरी करने? नहीं, फाइल लेने। वो कब आए? मैंने तो इन्हें नहीं देखा। हाँ, और वासिल ऐसा क्यों करेगा? मियां परेशान मत हो, मैं वासिल से फोन करके पूछती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या सोबिया? तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे फोन करके कहोगी कि घर से पैसे गायब हैं और हमें तुम पे शक है, तो तुम्हारी ये सारी बातें वो चुपचाप सुन लेगा? मियां फिक्र नहीं करें, आपके बैंक में जो मेरे पैसे रखे हुए ना, आप उसे इस्तेमाल कर ले। तुम पागल हो गई हो? वो तुम्हारे पैसे हम क्यों इस्तेमाल करें? अभी मेरी शादी में बहुत वक्त है, तब की तब देखी जाएगी। मुझे लगता है कि आप ही को बासल भाई से बात करनी चाहिए, हो सकता है कि उन्होंने दुआ का वास्ता है। चुप कर जाओ तुम लोग।
बासिल से अगर इस बात का जिक्र करेंगे तो एक नया हंगामा खड़ा हो जाएगा। कि आज के बाद तुम लोग आपस में भी इस मौजू पे कोई बात नहीं करोगे। मैं करती हूँ कुछ, ख्याल फरहत से कहती हूँ शादी की डेट को आगे कर देते। कोई जरूरत नहीं है इसकी। मम्मी अब्बू ने जो मेरे नाम के पैसे आपके अकाउंट में रखा है उसे आप यूज कर लेना। और वैसे भी अभी मुझे बहुत पढ़ना है, पता नहीं मेरी शादी कब होगी और उसमें भी बहुत वक्त है। प्लीज मेरी बात मान ले। हेलो, कौन हो तुम? मैं जो कोई भी हूँ तुम मुझसे बात करो। पहले अपना नाम बताओ। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? मशाल खैरियत तो है? इस टाइम फोन किया? जी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। कैसी बात? आप मिल सकते हैं मुझसे कल? मशाल, क्या बात है? अपसेट हो? नहीं, हाँ, एक्चुअली तुम मुझसे हर बात कर सकती, मैं सुनने को तैयार हूँ। पता नहीं हैसम आप क्या समझ रहे हैं। ओके, कल मिलते हैं फिर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अजब है ये रिश्ते, अजब है ये नाते, रेशम जैसे उलझे हो धागे, क्या सोच कर इन लबों को सिया। अब बताओ क्यों मिलना चाहती थी? हाय सर, अगर हम ये शादी, मेरा मतलब है हम ये शादी सादगी से कर सकते हैं। क्यों? जब शादी सादगी से हो सकती है तो इतने फजूल खर्चे करने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हें शादी से खुश नहीं हो? शादी सादगी से करने का मतलब ये नहीं है कि मैं शादी से खुश नहीं हूँ। इतना आर्टिफिशियल तो मत है सर, क्योंकि तुम्हारी आंखें तुम्हारे चेहरे का साथ नहीं देंगी। देखो मशाल, अगर तुम्हें शादी से खुश नहीं है तो अभी बता दो, हम इसको आगे कर सकते। और अगर बिल्कुल नहीं चाहती तो इस रिश्ते को खत्म ही कर सकते। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सुन? मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जबरदस्ती खुद को किसी पर फोर्स नहीं करना चाहता। एक मिनट, मुझे समझ में नहीं आ रही कि आप ये तो तुम्हें खुद सोचना चाहिए। मैं ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ?
मशाल मुझे नहीं लगता कि तुम इस शादी से खुश हो, तुम्हारे चेहरे से नहीं लगता। तुम्हें जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना, क्योंकि शादी के बाद हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं रहेगा। अभी भी वक्त, सोच समझ कर मुझे जवाब देना। आयसम भाई चले गए क्या? तुमने उन्हें क्या कहने के लिए बुलाया था मुझे? गड़बड़ हो गई हो मैं माँ। क्या? आयसम ने मेरी बातों को गलत मतलब निकाल लिया। मैं तो उनसे सिर्फ इतना कहने आई थी कि हम ये शादी सादगी से कर लेते हैं। What? मुझे तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम कब तक ये फजूल हरकतें करती रहोगी? अब मनाओ उन्हें। एक मिनट, तुमने उन्हें घर की चोरी के बारे में तो नहीं बताया? शुक्र है, वरना तुमसे कोई बईद भी नहीं। अब चलो। तो क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती? मगर अभी तो छोड़ो, प्लीज बैठो। वो मायमा कहाँ है? वो घर चली गई है, कह रही थी कि मम्मी को बता दे कि मैं आपके साथ हूँ। क्या मसला है मुझे? ऐसे में आपने मेरी बात नहीं सुनी, मफरूजा कायम करके उठ के चले गए। मफरूजा? मैं क्या गलत समझ रहा हूँ? आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आपको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती? अगर तुम खुलकर इकरार कर लो तो क्या मजा आएगा? मुझसे ऐसी उम्मीद ना रखें आप। फिर कैसी उम्मीद रखें? कुछ भी नहीं। मैं पहली दफा आपके ऑफिस आई हूँ, मुझसे कॉफी भी नहीं पूछेंगे? यानी तुम दिल से तैयार? अब आपको लिख कर दूं? नहीं, काफी है। एक काम करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, शॉपिंग भी हो जाएगी और कॉफी भी पी लेंगे। हाय सुनवाई मिल गए थे, मैंने कहा बाकी की शॉपिंग आप दोनों ही कर लो। अम्मी चल चल के मेरी टांगों में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा किया, इसी बहाने दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। वासिफ आपकी चाय। अच्छा किया बेटा तुमने, बहुत। कहीं वो हाशिम को पैसों की चोरी के बारे में तो नहीं बता देगी? नहीं अम्मी, नहीं बताएगी, मैंने उसे सख्ती से मना किया। अच्छा किया बेटा, बस इस चीज का तो हम सबको ही ख्याल रखना है कि फरहत को या हाशिम को पैसों की चोरी के बारे में कुछ बताना चाहिए। मैं आता हूँ, मुझे एक जरूरी काम। चाय तो पी ले। कपड़े तो ढंग से पहन लिया करो जरा तुम।
अम्मी इन कपड़ों में क्या मसला है? कमाल है, घर में पहनुई है बेटा, कोई अदब होता है, लिहाज होता है। ये जगह मुझे काफी अच्छी लगती है, मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। अकेले? अकेले, लेकिन आज के बाद सिर्फ तुम्हारे साथ आया करूंगा। हाय सिम, आप मुझसे कभी बदगुमान तो नहीं होंगे ना? बदगुमान? ऐसी बात क्यों सोची तुमने? ऐसे ही। काफी मर्द बहुत शकी होते हैं ना? मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन अगर कोई वाकई झूठा निकले तो मैं उसको माफ नहीं करता। Do you like it? Yes? मशल के साथ वक्त गुजारा जा रहा है। हाँ तो मशल से पूछोगे नहीं वो तुमसे मिलने क्यों आई है? ये तुम्हारा मसला नहीं है। मशल तुमसे इसलिए मिलने आई है क्योंकि आज वो तुम्हें बता देना चाहती है कि वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहेगी। और इसी वजह से उसने अपने घर में पैसों की चोरी भी करवाई। शट अप। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है ना तो एक दफा खुद मशीन से पूछ लो, क्या उसके घर में एक बड़ी रकम की चोरी नहीं हुई? किसका फोन था? कुछ नहीं, तुम छुपी हो ना। क्या तुम्हारे घर में कोई चोरी हुई? घर में चोरी हो जाने का ये मतलब नहीं है आयसम कि हम शादी आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई क्यों? क्योंकि अम्मी फुप्पो की कोई मदद नहीं लेना चाहती थी। इसमें मदद वाली बात कहां से आ गई यार? मैं तो पहली मोमानी जान को कह चुका हूं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर इतनी बड़ी रकम बैंक से निकलवाने की क्या जरूरत थी? हसम, शादी में जहेज के अलावा भी हजारों खर्चे होते हैं, अब छोड़े इन बातों को प्लीज। मैं चाहती हूँ कि हम ये शादी बहुत सादगी से करें। नहीं, मैं चाहता हूँ कि यह शादी हम बहुत धूमधाम से करें ताकि सब लोगों को पता चले कि हम शादी से कितना खुश हैं और कोई भी हमारी शादी में रुकावट ना डाले। किन लोगों की बात कर रहे हैं आप? है कुछ लोग। मैं खाना लगवा रही हूँ, उमायमा से कह दिया मैंने। उन दोनों को अब तक आ नहीं जाना चाहिए था। मशल और हाइसम और कौन? आंटी इतनी रात हो गई है, कब से गए हो? अब तक तो मशल को वापस घर आ जाना चाहिए था ना। बासिल भाई आप परेशान ना हो, मिशी हाइसम भाई के साथ गई है, वो उसे बाहिफाजत घर पहुंचा देंगे। उमायमा शायद तुम जानती नहीं हो, बाहर हालात बहुत खराब हैं और औरत जात को इस तरह इतनी देर रात बाहर नहीं रहना चाहिए।
वैसे तो बासिल ठीक ही कह रहा है, काफी रात हो गई है, अब तक आ जाना चाहिए था उन्हें। उफो, अभी सिर्फ 9 बजे और हम कोई गांव में थोड़ी रहते हैं। शहर हो या गांव, ज्यादा देर तक घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। वो आएगी ना, उससे खुद ही कह दीजिएगा, मुझे क्यों कह रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे दिखाओ क्या क्या लाई हो। अस्सलाम वालेकुम मां। वालेकुम अस्सलाम। बेटा देर करती, सॉरी शॉपिंग करते वक्त टाइम का पता ही नहीं चला, इसलिए लेट हो गए। ओके हासिम, बेटा बैठो, मैं खाना लगाती हूँ थोड़ा बहुत। तुम्हारे हम खाना खा के आए हैं, इसलिए देर हो गई। हम सब तुम्हारा वेट कर रहे थे, तुम लोग खाना खा के आ गए, हम वो भी अकेले अकेले। तो अगली दफा तुम्हें भी ले जाएंगे उसी रेस्टोरेंट में ले जाएंगे। अच्छा बैठो तो सही, खाने के बाद चाय पी के जाना। जी ओके। Thank you.